हेलो एवरीवन मैं आपका दोस्त नीरव आप देख रहे वर्क फॉर ऑटोमेशन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज आउटपुट कॉइल रंग सिंबल डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑन रंग टाइटल ऑन रंग को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसके साथ देखेंगे नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज आउटपुट कॉइल का सर्किट एनिमेशन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम आर एस लिंक क्लासिक को ओपन करेंगे उसके बाद कम्युनिकेशन टैब में जाना है यहां पे आपको कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स में जाना है यहाँ पे आप अवेलेबल ड्राइवर टाइप पे क्लिक कीजिए यहाँ पे आप बहुत सारे ड्राइवर देख सकते हैं ये सब ड्राइवर आप पीएलसी को सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप फिजिकली पीएलसी को इथरनेट के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो तो आप इथरनेट आईपी और इथरनेट डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो फिलहाल हम कोई हार्डवेयर यूज नहीं कर रहे तो हम इमेटर फाइव का ड्राइवर सिलेक्शन करेंगे उसके बाद एड न्यू करना है यहाँ पे आप अपने ड्राइवर का कोई भी नाम दे सकते हैं उसके बाद ओके कर दीजिए यहां पे आप स्टेशन नंबर जीरो नंबर से थर्टी वन नंबर तक कोई भी दे सकते हैं हम यहाँ पे वन दे रहे हैं उसके बाद ओके कीजिए यहाँ पे क्लोज कीजिए उसके बाद मिनिमाइज कीजिए आर एस लिंस क्लासिक को अब आर एस लॉजिक फाइव हंड्रेड को ओपन कीजिए फाइल में जाइए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ बेसिक उसके बाद यहाँ पे सी सिलेक्शन कर दीजिए मैं ले रहा हूँ माइक्रोलॉजिक्स 1100 हंड्रेड सीरीज बी उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना है और इमिलेटर फाइव हंड्रेड को सिलेक्शन करना है यहाँ पे वही ड्राइवर सिलेक्शन करना है जो हमने आर एस लिंक्स क्लासिक में किया है उसके बाद वो जैक्टिव में जाना है और रनिंग ड्राइवर का सिलेक्शन करना है इसके बाद ओके okay करना है और यहाँ पे ओके okay कर दीजिए अब आप यहां पे आईओ कॉन्फ़िगरेशन में जाइए यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो नंबर पे आपका सीपीयू है आप जब भी कोई माइक्रोलॉजिक्स के सीपीयू का हार्डवेयर का पीएलसी प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के ऊपर देख के ही यूज़ करने हैं क्योंकि ये माइक्रोलॉजिक्स फिक्स आईओ सिस्टम सपोर्ट करता है उसके बाद स्लॉट नंबर वन पर आप कोई इनपुट का कार्ड ऐड कर लीजिए मैं यहाँ से इनपुट करता हूँ और सिस्टम पॉइंट के इनपुट को मैं ऐड करता हूँ उसके बाद स्लॉट नंबर टू पे आउटपुट का सिस्टम बिट का कार्ड ऐड करता हूँ उसके बाद इसे मिनिमाइज कीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम फाइल प्रोग्राम फाइल में हम लॉजिक के थ्रू मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे सिस्टम जीरो लिखा हुआ है ये सिस्टम फंक्शन है यहाँ पे सिस्टम वन लिखा हुआ है रिजर्व फाइल है यहाँ पे लेडर टू लिखा हुआ है वो आपका मेन प्रोग्राम फाइल है अब आप यहाँ पे लेडर टू पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए यहाँ पे आप नाम दे दीजिए मैं दे रहा हूँ बेसिक और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट right कर लीजिए मैं टाइप करता हूँ एनओ एन सी आउटपुट कॉइल उसके बाद अप्लाई कीजिए ओके okay कर दीजिए आपने जो नाम और डिस्क्रिप्शन दिया वो यहाँ पे शो हो रहा है अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यूज़र में जाना है और न्यू रंग का सिलेक्शन करना है उसके बाद रंग पे राइट क्लिक करना है और एपेंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं फिर से राइट क्लिक कीजिए यहां से आप इंसर्ट रंग और एपेन रंग कर सकते हैं इंसर्ट रंग पे क्या होगा आपका जो इंसर्ट होगा रंग और अबो की साइड में होगा जबकि एपेन रंग में आपका न्यू रंग नीचे की साइड में क्रिएट होगा फिर से राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे आप एडिट टाइटल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ बेसिक और रंग कमेंट दे रहा हूं यूजिंग एनो एन सी ओ टी कॉल उसके बाद ओके कीजिए यहाँ पे इसके जरिए आप पर्टिकुलर रंग में प्रोग्रामर ने क्या किया है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैं बाकी के एक्स्ट्रा रंग को डिलीट करता हूँ डिलीट करने के लिए आप ब्राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या फिर बोर्ड की डिलीट की से आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे एंड लिखा हुआ है इसके नीचे का कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड होता है एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में और एक यहाँ पे राइट right साइड में वर्टिकल लाइन है जो आपका पावर इंडिकेट करती है उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप यहां से नॉर्मली ओपन का सिलेक्शन कीजिए और यहाँ पे आप इनपुट एड्रेस दे दीजिए आई कॉलन जीरो स्लेस जीरो, जीरो हमने ये एड्रेस क्यों दी आपको बता देता हूं यहाँ पे आईओ कंफ्यूग्रेशन में जाइए हमारा जो सीपीयू है जीरो नंबर पे लगा हुआ है तो उसका हमने एड्रेस लिया हुआ है आई कॉलम जीरो डॉट जीरो स्लेश जीरो हम यहाँ पे एक बटन और एक लैम्प का प्रोग्रामिंग करेंगे जहाँ पे बटन प्रेस करने पे लैम्प ऑन होना चाहिए अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन में जाइए यहाँ पे सिंबल में आप स्टार्ट पी भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट पीबी प्रेस ओलम्पिक क्या होना चाहिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं मैं लिखता हूं वैन प्रेस लैंप ऑन धैन ओके कर दीजिए हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो यहां पे आ रहा है उसके बाद आप यहां से आउटपुट की कॉइल ले लीजिए यहाँ पे आप आउटपुट का एड्रेस डिफाइन कर दीजिए मैं ले रहा हूं ओ कॉलम जीरो डॉट जीरो स्लैश जीरो आउटपुट इमेज टेबल में जाके भी इसका एड्रेस ले सकते हैं जस्ट सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहां से मैं एक्स्ट्रा डिलीट कर देता हूं उसके बाद वापिस यहां पे आप एडिट डिस्क्रिप्शन में जाइए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं लैम्प देन ओके कर दीजिए यहां पे आप इनपुट इमेज टेबल में जाइए आप यहां से भी एड्रेस को ट्रैक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वापिस में अपना पुराना एड्रेस कर देता हूं अब हमें आपके जो रंग है उसको वेरीफाई करवाना है तो आपको यहां से आप वेरीफाई करवा सकते हो इसके थ्रू पता चलेगा कि आपके रंग में कोई एरर है या नहीं है रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है उसके बाद हमें प्रोग्राम को डाउनलोड करवाना है तो कम्युनिकेशन में जाइए डाउनलोड पे क्लिक कीजिए यस कर दीजिए फिर से यस कीजिए यहाँ पे आपका जो पूरा विंडो है वो रिमोट मोड पे चला गया है उसको आपको रन मोड में डालना है आप यहाँ से रन पे क्लिक करके कर सकते हैं वापस से यस कीजिए अभी इसको चेक कैसे करेंगे हम चेक करने के लिए आपको इनपुट पे क्लिक करना है उसके बाद राइट क्लिक करना है और टॉकर बिट देना है जैसे मैंने आपको बताया था दोनों वर्टिकल लाइट पावर इंडिकेट करती है हमने जैसे ही इनपुट को प्रेस किया तो हमारा लैम्प यहाँ पे ऑन हो गया है वापिस तो से मैं इनपुट को ऑफ करता हूँ तो हमारा लैम्प ऑफ हो गया है इसका आप स्टेटस यहां से भी आप देख सकते हो जब भी मैं इनपुट ऑन करूंगा हमारा जो एड्रेस लिया हुआ बिट है वो ऑन हो जाएगा ऑफ करूँगा तो आपका वो बिट ऑफ हो जाएगा सेम एज आप आउटपुट में भी देख सकते हो मैं जब इनपुट ऑन करूँगा तो आपका आउटपुट यहाँ पे ऑन होगा मैं जब इनपुट ऑफ करता हूँ तो आपका आउटपुट ऑफ होता है वापिस तो से हमें ऑफलाइन जाना है यहाँ पे क्लिक करके गो ऑफलाइन कर सकते हैं यस कर दीजिए यहाँ पे भी आप यस कर दीजिए अभी हम आपने जो इनपुट और लैम का प्रोग्राम बनाया है उसका सर्किट एनिमेशन देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड और यहाँ पर राइट साइड में आप वर्टिकल लाइन देख सकते हैं जो है पावर इंडिकेटर ये दोनों लाइट जब शॉर्ट होगी तब जाके ही आपका लैम्प चलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्टार्ट बटन का एनओ स्विच लिया हुआ है जब भी मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तब जाके आपका लैम्प ऑन होगा आप उसका सिमुलेशन देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आपने देखा ही होगा स्टार्ट बटन प्रेस करने पे एनो जो स्विच होता है आपका वो सप्लाई पास करता है और आपका लैंप ऑन होता है तो अब हम यहाँ पे नॉर्मली क्लोज बटन देते हैं। इनपुट देने के लिए सिंपली ट्रैक एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पे आपको बीट नंबर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मैं दे देता हूँ वन यहाँ पे आप दे सकते हो कोई भी नाम मैं यहाँ पे स्टॉप बटन देता हूँ इसके बाद हमें इसको डाउनलोड करवाना है यहाँ पे आप यस दे दीजिए फिर से यस दीजिए यहाँ पे आप रन टाइम में जाइए यस दे दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो जीरो पे ही सप्लाई पास करता है जबकि जो आपका एनो कॉन्टेक्ट है वो वन पे सप्लाई पास करता है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके टोकल बिट देता हूँ तो आपका लैंप ऑन होता है जब मैं स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ तब आपका लैंप ऑफ होता है आप यहाँ पे इनपुट इमेज टेबल पे देख सकते हैं ये जो मेरा वन नंबर का इनपुट है वो हमारा स्टॉप पे भी है यहाँ पे अभी एक्टिव दिखा रहा है आपका स्टार्ट पे भी एक्टिव ही दिखा रहा है अब हम इसका सर्किट एनिमेशन देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने लेडर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाया हुआ था

जो लैंप है वो ऑफ हो जाएगा अब हम यहां पे ऑफलाइन में जाते हैं यस कर दीजिए यस कर दीजिए यहां पे आप अभी क्लिक कीजिए और यहां पे क्लिक कीजिए रंग ब्रांच पे उसके बाद यहाँ से आप खींच के ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए आप यहाँ पे एनो बटन ले लीजिए तो और यहाँ पे आप एड्रेस डिफाइन कर दीजिए मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इनपुट का जो बिट नंबर है वो चेंज करके टू कर देता हूँ और एंटर दे दीजिए ऐसे आप पैरल कनेक्शन कर सकते हैं इसमें क्या होगा आपका सप्लाई यहाँ से चालू होगा डाउन साइड में जाएगा और यहाँ से आउटपुट की साइड में जाएगा ओके यहाँ पे आप इनपुट की साइड में इनपुट को पैरल और सीरीज दोनों में ले सकते हैं जबकि आउटपुट की साइड में आउटपुट को आप पैरल ही ले सकते हैं आप यहाँ पे प्रोग्राम को सेव कर लेना हम आगे का जो वीडियो है यहीं से स्टार्ट करेंगे Thank you for watching this video. Thank you so much.